हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली रुचि। मैं हूं आपकी दोस्त रुचि। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही खास वीडियो, जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक बहुत ही यूज़फुल इयररिंग होल्डर, जो कि बनेगा वेस्ट प्रोडक्ट से और ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमें इस इयररिंग होल्डर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो हमारा बेस प्रोडक्ट है इस इयररिंग होल्डर का, वो है ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का जो एक ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ये है वो, एंड आई थिंक ये सबके घर में अवेलेबल होता है। एंड अगर ये नहीं भी है तो आप इस प्रकार से कोई भी, अगर रिंग टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आपके घर में तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये रहा। सेकेंड में यूज़ करूँगी फैब्रिक ग्लू। थर्ड है ये स्पेयर लेसेस, जो कि यूज़लेस हैं, जो मेरे यहाँ पुरानी पड़ी हुई हैं तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। एंड ऊन यूज़ कर रही हूँ, ये भी बचा कुचा जो ऊन होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर भी कोई निटिंग करता है या ऊन आपके घर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। आई थिंक 7 रुपये का एक जो इसका गोला होता है वो आराम से मिल जाता है, तो आप ले सकते हैं। एंड कैची यूज़ करेंगे, जो कि हमारे हर DIY की यूटिलिटी होती है, कैची के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये फैब्रिक ग्लू जो है वो इस फ्रेम के जो इसका एंड पार्ट है वहाँ पर लगाऊंगी। ये देखिए, लाइक दिस ऐसे मैं लगा लूँगी इसमें जी, इस प्रकार से। एंड यहाँ पर मैं अपनी जो लेस है इसका जो कॉर्नर है वो मैं यहाँ पर चिपका दूंगी, और जब आप इसे चिपकाएं तो थोड़ा इसे पकड़ कर रखिए। एंड देन हम इसमें ऑल ओवर फ्रेम में ये जो लेस है इसे रैप करेंगे, इस प्रकार से रैप कर लेंगे। ये देखिए, लेस लंबी है तो थोड़ी दिक्कत जा सकती है आपको, मगर फिर ये इजीली हो जाता है। एक बार ये अगर चिपक जाए तो ये इजीली इसमें हम इसमें कवर कर सकते हैं फ्रेम को। ये देखिए इस प्रकार से। लाइक दिस हम ऐसे ऐसे इसको पूरे फ्रेम में हम इसे लपेट लेंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ऑल ओवर द फ्रेम में पूरा ये जो लेस है इसे रैप कर दिया है, एंड ये पूरी कवर अप हो चुकी है, एंड ये आई थिंक काफ़ी अच्छी दिख रही है। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड स्टेज की तरफ। जब हम ये जो धागा है, ये जो ऊन है, ये मैंने ट्रिपल ले लिया है, मतलब एक धागे को, एक ऊन का जो, देखिए ऊन को एक बार मैंने ऐसे डबल किया, ये बात देखिए मैंने ऐसे ऊन को डबल किया, एंड फिर मैंने इसको थर्ड टाइम भी मैंने इसे ड्रैप कर लिया। एंड अब मैं इसे इसमें बांध दूंगी, ये देखिए लाइक दिस। इस तरफ से मैं इसमें, पहले मैं इस तरफ से गठान डालूंगी, नॉट इस तरफ से एक नॉट डालूंगी, ताकि ये काफ़ी अच्छी तरीके से इस पे बंध जाए, अटैच हो जाए काफ़ी अच्छे तरीके से। ये देखिए लाइक दिस। ये मैंने एक तरफ इसे बहुत काफ़ी मजबूती से बांध दिया है, अब मैं इसे दूसरी तरफ बांधूंगी। ये देखिए लाइक दिस, इस प्रकार से। ये हमें ऐसे लेना है या आप अपने हिसाब से बांध सकते हैं। 2-3 गठान लगा दीजिए ताकि ये काफी पक्का हो जाए। मैं इसे 4 बार, मैंने इसमें 4 नॉट्स लगा दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बांध सकते हैं।
मैं ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो जो जूट वाली रस्सी होती है या कोई भी वायर या कोई भी तार का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो पहला जो स्ट्रिंग था इसका, ये बन चुका है। इसी प्रकार से हम दो और तीन, ऐसी तीन लेयर्स बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इयररिंग होल्डर बनके तैयार हो चुका है एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें मेरे बहुत सारे जो इयररिंग्स हैं वो इजीली हैंग हो चुके हैं एंड अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है कि मैं अपने और भी इयररिंग्स इसमें लगा सकती हूँ। ये इयररिंग होल्डर मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल की साइड वाली वॉल पर लगाया है ताकि अगर मुझे कहीं जाने के लिए रेडी होना हो तो मुझे जो अपने मैचिंग इयररिंग्स हैं वो आराम से मिल सकें। तो आज मैंने आप लोगों को के साथ शेयर किया कि कैसे एक अनयूज्ड चीज़ से हम इतनी यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सिंपली रुचि, एंड जो बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले DIY वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।